हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है, लालची कुत्ते कहानी का नाम है। क्या होता है कि बहुत समय पहले एक लालची कुत्ता अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, अर्थात घूम रहा था। उसे एक हड्डी दिखाई दी तो उसने खाने के समय उसे कोई परेशान नहीं करे, जिससे वह लालची कुत्ता उस हड्डी को लेकर कहीं बाहर जाने लगा। उसने सोचा कि मैं एक जगह अकेला बैठकर इस हड्डी को खाऊंगा तो मुझे और बहुत अच्छा लगेगा और मैं चैन से इस हड्डी को खा सकूंगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही कुत्ता उस हड्डी को मुँह में कसकर लेकर आगे चलता है तो उसे एक नदी को पार करना होता है। नदी जैसे ही पार करता है तो जैसे ही वह नदी में देखता है तो उसकी परछाई उस नदी में उसको पानी में दिखाई देने लगती है। वह सोचता है कि एक और कुत्ता आ गया है जो कि हड्डी मुंह में लिए हुए हैं। यदि मुझे यह भी हड्डी मिल जाए तो मेरे पास भोजन अधिक हो जाएगा और मैं अपना पेट जी भर के इस भोजन को हड्डी को खा लूँगा। जैसे ही वह सोचता है कि उसने जैसे ही उस हड्डी को लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो तुरंत ही उसके मुंह से हड्डी पानी में गिर गई और वह बहकर दूर जा चुकी थी, चली गई। कुत्ते को अपनी लालच पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह कहने लगा कि लालच नहीं करना चाहिए,